अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इस तरह काउंट करते हैं, मतलब कि कितनी वैल्यूज आ रही हैं जो हम अरे में स्टोर करते हैं, उस अरे में कितनी वैल्यूज हैं। फिर हमने उसकी के इंडेक्सिंग के थ्रू हमने चेक किया था कितनी है इसकी, क्या इंडेक्सिंग आती है, और सारी वैल्यूज हमने फॉर लूप को यूज़ करते हुए हमने आउटपुट में लाए थे। अब मल्टीपल वैल्यूज हम हमारे पता ही नहीं है। हम पहले क्या करते थे, हम सिंपल इंडेक्सिंग के जिस तरह हम आपको बताऊंगा, ये यहाँ पर मैं आपको करके इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा जिस तरह करते हैं, क्योंकि मेन चीज़ हमने एसोसिएटिव अरे पे हमने काम करना है, जिसको हम की यूज़ करते हैं। अब की क्या है यहाँ पर, 45 कह लें आप की को, ये क्या हम इंडेक्सिंग भी कह सकते हैं, हम इसको की भी कह सकते हैं। अब ये क्या हमारे पास आ रही थी, ये हमारे पास इंडेक्सिंग के थ्रू हम इसको चेक कर रहे हैं किस तरह हम इसकी इंडेक्सिंग बना सकते हैं और किस तरह हम इसको फॉर लूप को यूज़ करते हुए मल्टीपल हमारे पास डाटा हो तो किस तरह स्टोर करा सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ, कोड चला गया। कोड था नहीं क्योंकि हमने इस बार न्यू कोड करना है। लास्ट वीडियो को कोड जाने के लिए आप लास्ट वीडियो को देखें। इसमें क्या करते हैं, आप हमारे पास समझ लें कि एम्प्लॉयज़ हैं, ज़्यादा से एम्प्लॉयज़ हैं। हम सिंपल किसी सारे एम्प्लॉयज़ की भी जानना चाहते हैं, नहीं तो हम किसी की किस तरह सारों की जानने के लिए तो आपको मैंने ऑलरेडी समझा दी है किस तरह हम जिस हम पूरी की पूरी आउटपुट हमने अभी आपने देखा है। अब हम कहते हैं कि हम किस स्पेसिफिक पर्सन की उसका नेम लिख के हम बकायदा उसको चेक करना चाहते हैं तो वो किस तरह होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सैलरी के नेम से वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें डिफरेंट हम की को यूज़ करेंगे, की किसका यूज़ करेंगे, वो सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी उस पर भी एक वीडियो बनी हुई है। अब देखें, जो चीज़ आप लोग स्टार्ट से नहीं समझेंगे तो बाद में आपको बहुत मसला क्रिएट करेंगे, इसलिए आपको बेस्ट मैं यही मशवरा दूंगा, स्टार्ट से आप शुरू करने प्ले लिस्ट को वॉच करना। प्ले लिस्ट पूरा कोर्स जारी है। मेरा पूरा दिल है कि जो चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है वो चीज़ें भी आपको बताऊँ, वो चीज़ें भी इस कोर्स में आपको बताऊँ और समझाऊँ। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, की को यूज़ करते हुए वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाता हूँ सलॉन, इसको हम सैलरीज की दे देते हैं जी 25,000। ठीक है, इसकी हमने फिलहाल सैलरी क्या ले ली, 25,000 सैलरी है इस्लाम की। और यहाँ पे हम ले लेते हैं साजिद नेम, और इसकी हम सैलरी दे देते हैं 15,000। एंड देन मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं मैं बनाऊँगा ताकि आपको बस समझाना, मेन मकसद आपको क्या समझाना। ठीक है, और इससे हम ले लेते हैं इजाज, इनकी मैं सैलरी ले लेता हूँ 50,000। ठीक है जी, सैलरी इनकी मैंने 50,000 ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, अब हमने स्पेसिफिक किसी भी हमने नेम को हमने चेक करना है कि इस बंदे की सैलरी कितनी है, तो इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, किस तरह हम इसकी वैल्यू गेट करेंगे। अब हम चाह रहे हैं इजाज की सैलरी करना, इजाज सैलरी इस हम इसको डॉट लगा के, डॉट लगा के पीएचपी में डॉट लगा के हम इसको कोई चीज़ हम इसको हम पेंट कराने के लिए करते हैं। डॉट किस तरह करते हैं ये सर्च पे भी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है कि किस तरह हम वैल्यूज को इसके साथ मिला सकते हैं या पेंट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको सैलरी हमने वेरिएबल बनाया था सैलरी के नेम से, ये देखते हैं हम सैलरी के नेम से वेरिएबल, हम जिस तरह हम इंडेक्सिंग करते थे इसी तरह सेम हम इसमें क्या करेंगे, की का यूज़ कर लेंगे। अब की क्या थी हमारी, हमारे पास नेम किसे, इजाज। अब हम इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं कि इजाज की सैलरी कितनी है। इजाज की सैलरी आ रही है 50,000, थोड़ी सी स्पेस दे लेते हैं, आप यूँ भी स्पेस दे सकते हैं और बाकायदा इसके लिए डॉट लगा के अलग से भी स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, इजाज की सैलरी कितनी है 50,000, ये हमने उसमें बता दिया किस तरह हमने ये। अब हम एक और काम करते हैं, हम कह रहे हैं यार यूँ तो हमारे पास सेम नेम के आगे दो नेम, अब क्या होगा, अब तो इजाज दो हो गए हैं। अब हम इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, इसके फिर मैं आपको बता दूंगा कुछ। ये देखें 50,000 ही बताएगा क्यों, जो लास्ट में वैल्यूज है। अब ये मैं इसकी चेंज कर देता हूँ वैल्यू, फिर इसकी मैं कर देता हूँ 60,000, अब भी 50,000 ही बता रहा है क्यों, क्यों बता रहा है 50,000, क्योंकि ये लास्ट में जिसको पिक करेगा नहीं, क्योंकि उसको न्यू वैल्यूज मिल गई हैं। आपको मैंने बताया था किस तरह ये न्यू वैल्यूज करता है, लास्ट वैल्यू का इसमें भी वीडियो बनी हुई है, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था जिसमें मैं वीडियो में बताता रहता हूँ मेन बातें, अगर आप लोगों ने पिछली लास्ट वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये पीएचपी का ये एक इसमें मेन बात है कि जब भी आप इसमें कोई भी वेरिएबल आपने बनाया हुआ है, बेशक उसको हज़ार बार बनाए,
लेकिन जो लॉस वैल्यू होगी वही काउंट होगी। जब एक वेरिएबल बनाते हैं आप दूसरा वेरिएबल उसके बना लेंगे, या कोई भी आप दूसरी वैल्यू किसी भी अरे में या तो दूसरी वैल्यू दे देंगे, तो वो क्या होगा, वो पहली को इग्नोर करेगा, दूसरी को देखेगा, फिर दूसरी अगर तीसरी आ गई तो दूसरी को इग्नोर करेगा, तीसरी को देखेगा, जो लास्ट वैल्यू होगी उसको वो पिक करेगा। ठीक है, ये चीज़ का आप इसको ड्रॉबैक समझें या फिर इसको फ़ायदा समझें। आपके आप ये वैसे किस्म का ड्रॉबैक भी बन रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे हमने इजाज़ दूसरे दो इजाज़ हों, हमें दोनों की लेनी हो, दोनों में से एक की लेनी हो, वो हमें लास्ट वाली की दे रहा हो, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जिस हमने लास्ट को देखा था, ये जो लास्ट में हमने किया था कि हम सबकी पहले उसका आउटपुट ले लें, उसमें हम उसको सर्च कर लें, देख लें भाई साहब चीज़ क्या है बाकी, या फिर हम उसकी आईडी स्पेसिफिक यूनिक आईडी से हम उसको चेक कर सकते हैं भाई साहब इसी जांच की जाएगी, लेकिन हमें यूनिक आईडी का भी नहीं पता हो सकता। तो हम मेन तरीका ये सारों की आउटपुट ले सकते हैं जिस हमने लास्ट वीडियो में ली थी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की आपको समझ आ गई। क्या था एसोसिएटिव अरे, हम किसा एसोसिएटिव मतलब किसी चीज़ को किसी के साथ एसोसिएट करना, मिलाना किसी चीज़ को उसके साथ, तशबी दे देना। ठीक है जी, ये आपको उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की समझदारी होगी। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।